हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये एक हॉल। मैंने रिसेंटली purple.com से बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट परचेस की है। सो मैंने क्या क्या परचेस किया और उसका प्राइस एंड डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो भी मतलब मैंने परचेस की है उसका जो परचेस लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। आप चाहे तो वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी हिट कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है गाइस। सो ज़्यादा बात नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है वो प्रोडक्ट जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये है स्टे क्वेरकी का लूज़ पाउडर। इसका आउटर पैकेजिंग जो है ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है। वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ इसका शेड एंड स्टे क्वेरकी का जो नाम है वो यहाँ पे है और यहाँ पे लिखा हुआ है। पीछे में आपको यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड कितनी क्वांटिटी के प्रोडक्ट और कितना प्राइस है ये आपको यहाँ पे मिलता है। तो सो मुझे यहाँ पे 8 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है। सो इसका प्राइस यहाँ पे है 349। सो मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट प्राइसेस में मिल गई थी। इतना प्राइस में ये मिला है मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन में से मेंशन कर दूँगी। इसका इन आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है और इसका इनर पैकेजिंग से ऐसे ही एक टब में आता है। तो ये कुछ इस तरह की है। फर्स्ट मैंने ये लिया है। नेक्स्ट मैंने ये स्टे क्वेरकी का फाउंडेशन लिया है। ये मुझे ऐसे ही रिसीव हुई थी। नीचे का जो पोर्शन है, पार्ट है, वो ग्लास में है और ऊपर में ऐसे प्लास्टिक की कैप है। तो ये एक पंप सिस्टम है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को एक बार पंप करोगे तो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। इतना ख़ास नहीं लगा मुझे इसका टेक्सचर, मतलब बहुत ही ज़्यादा रनी टाइप्स है। तो बेसिकली मुझे इसका कुछ कवरेज तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन डेली बेसिस पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने इसे 27 ग्राम के क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। सो इसका जो प्राइस है वो भी मैं अगेन डिस्क्रिप्शन पे कहीं पे मेंशन कर दूँगी। सो नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन स्टे क्वेरकी का कॉम्पैक है और इसका आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। जब आप इसे ओपन करोगे तो इसका इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। ये मैट है और ये जो स्टे क्वेरकी लिखा हुआ है ये थोड़ा ग्लॉसी है और पीछे में जो शेड वगैरह है वो मेंशन किया हुआ है। तो मेरा शेड है हनी आई लव यू 2। का प्राइस यहाँ पर है 249। मुझे 9 ग्राम क्वांटिटी की प्रोडक्ट इसमें रिसीव हो रहे हैं। सो आपको मिलता है एक गुड क्वालिटी का मिरर, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक एप्लीकेटर मिलता है जैसे नॉर्मल सा है, ट्रांसफॉर्म जो शीट होता है वो है और यहाँ पे है इसका प्रोडक्ट। सो इसका नया टेक्सचर और इसका पिगमेंटेशन देखती हूँ। सो ये इजीली ब्लेंड भी हो रहा है तो कवरेज भी बहुत अच्छा है। सो मैं इसे यूज़ करूँगी तब मैं पूरा इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है ये NY Bay की एक प्रोडक्ट है। ये है NY Bay ब्रॉडवे रेडी मेकअप स्प्रे है। सो इसका कुछ आउटर पैकेजिंग इस तरह की है और इस इंग्रेडिएंट्स है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह और कितनी क्वांटिटी की प्रोडक्ट मिल रही है वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो मुझे इसका प्राइस यहाँ पे जो एग्जैक्ट दिया हुआ है वो 199 है और मुझे 199 में 30 मतलब 30 ml की क्वांटिटी की प्रोडक्ट मिल रही है। और सो इसका आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है कार्डबोर्ड में और मैं इसका इनर पैकेजिंग देखूँगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब इजीली ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इजीली अपने बैग पर्स में या बैग पे कैरी कर सकते हो। ये बहुत ही मतलब ट्रैवल फ्रेंडली है, अच्छा है छोटू सा। सो अगेन यहाँ पे आपका जो इंग्रेडिएंट्स और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है और सामने जो लिखा हुआ है तो आप लोगों को पता ही है स्प्रे कैसा होता है। ये एक स्प्रे बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल है और ऊपर में ये ऐसे प्लास्टिक का कैप मिलता है और इसे ऐसे स्प्रे करना पड़ता है। सो मैं ऐसे एक बात बोलूँ,
मुझे इसका स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत ही हार्ड है। नेक्स्ट मैंने सेम स्टेकवेयर की का ही लिया है, ये एक ये लाइनर है स्टेकवेयर की का बैड एस आईलाइनर। सो इसका प्राइस है 175 और इस 175 में इसको यहाँ पे मुझे 5 ml की क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है और यहाँ पे मुझे शेड मिल रहा है बैड एस ब्लैक 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका इनर पैकेजिंग देखते हैं। सो इसका इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, ये छोटू सा है और इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, आप ऐसे पेन के जैसे पकड़ के अपने लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। सो इसका जो वॉन्ट है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, सो इस वॉन्ट से कोई भी प्रसाइज लाइनर ड्रॉ कर सकते हो, मतलब इजीली आप जैसा चाहते हो वैसा ड्रॉ कर सकते हो, इसका वॉन्ट इतना ही थिन है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो देखते हैं इसका पिगमेंटेशन कैसा है। सो आप देख सकते हो कितना थिन है और पिगमेंटेशन भी अच्छा है। सो नेक्स्ट मैंने ये ली थी। उसके बाद आता है अगेन एक लाइनर का, ये मैंने 925 का लाइनर लिया है, मेरा पहला पुराना था वो ख़त्म हो चुका था इसलिए मैंने दोबारा से इसे ऑर्डर किया है। इसका भी एप्लीकेटर जो है जो पेन की तरह है। तो नेक्स्ट मैंने ये लिया है और इसका प्राइस अगेन मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको मेंशन कर दूंगी। सो ये था ये वाला बॉक्स। सो नेक्स्ट जो है बड़ा वाला बॉक्स है, सो इसमें से मैं प्रोडक्ट निकालूंगी और आपको आपके साथ शेयर करूंगी। लिया है ये NYB का कोल्ड काजल है, शेड है वाइट। सो मैंने इसे लिया है, ये लॉन्ग आईलैड वाटरप्रूफ स्मज प्रूफ है और इसका क्वांटिटी मुझे मिल रही है 2.5 ग्राम और इसका प्राइस है 85 रुपीज़। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल में आपको मिलता है। सो आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, आप देख सकते हो इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा शीन है इसके अंदर, मतलब शाइनी टाइप्स। सो नेक्स्ट मैंने इसे लिया था। सो नेक्स्ट मैंने लिया है NYB रनवे मैट लिपस्टिक विथ आर्गन ऑयल। सो इसके फ्रंट में ऐसे कुछ लिखा हुआ है, आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, ब्लैक जो शेड है वो मेंशन है, मेरा शेड है फर्स्ट लुक 1 देख सकते हो। सो इसका इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है गोल्डन कलर में और इसके ऊपर ब्लैक कलर में लिखा हुआ है NYB रनवे। इसका जो शेड है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे लिया है। इसका शेड थोड़ा सा पर्पलिश ब्राउन पिंक कलर है। उसके बाद मैंने लिया है ये पर्पल का थॉट थिक एंड थिन वॉल्यूमिनाइज मस्कारा। सो मैंने इसे लिया है और मैंने इसे खोल के भी देखा इसलिए ये खुला हुआ है। सो इसका प्राइस है 345 और 345 में 8 ml की क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है और एक कार्डबोर्ड की है और पर्पल एंड पिंक का थोड़ा कॉम्बिनेशन है इसका आउटर पैकेजिंग। इसका इनर पैकेजिंग ऐसे ब्लैक कलर का है ये और पर्पल लिखा हुआ है। इसका एप्लीकेटर कुछ इस तरह की है। इसके बाद मैंने अगेन एक लिपस्टिक लिया है, ये बेला बॉस्टी का लिपस्टिक है, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, इसमें लिखा हुआ है बेला बॉस्टी अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक। तो इसमें मुझे क्वांटिटी मिल रही है 3.7 ml की क्वांटिटी मिल रही है। यहाँ पे मेरा शेड नंबर मेंशन है डार्क फाउन और इसका इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है मेरे। सो इसका जैसे लिक्विड का एप्लीकेटर होता है वैसे ही है। सो इसका मैं शेड आपको दिखाती हूँ और ये कितना पिगमेंटेशन है कैसा है मैं दिखाती हूँ आपको। सो इसका शेड कुछ इस तरह की है। नेक्स्ट मैंने लिया है ए स्विस ब्यूटी का पर्ल प्राइमर, यहाँ पे मुझे 30 ml की क्वांटिटी मिल रही है, ये फॉर ऑल स्किन टाइप, ये ऑयल फ्री है, जिनकी मतलब ऑयली स्किन है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। सो इसका इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ट्रांसफॉर्म है। सो आप देख सकते हो प्रोडक्ट इसके अंदर है, ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है, एक पम्प एप्लीकेशन में आता है, तो आप ऐसे पंप करोगे तो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा।
इसका टेक्सचर ज़्यादा सॉफ्ट है और ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ करते हैं। सो मुझे इसका इनर पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे परचेज़ कर लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, एक प्लास्टिक के अंदर। तो मैंने इसे ऑलरेडी फाड़ के देख लिया कैसा है। सो इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, ग्लास में और ऊपर में जो प्लास्टिक का ब्लैक कलर का कैप है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। सो मेरा शेड है गोल्डन बेज। मुझे यहाँ पे 30 ml की क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। सो इसे कुछ इस तरह से ओपन करते हैं और इसका जो एप्लीकेटर है ये बहुत ही अच्छा है, इजीली आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और इसका फ्रेग्रेंस लिटिल हार्ड है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसका फ्रेग्रेंस। सो इसका जो कवरेज है ये काफ़ी अच्छा है। सो मुझे इसका कवरेज बहुत ही पसंद आया है। उसके बाद मैंने लिया है सेम वेट एंड वाइल्ड का कॉम्पैक्ट। सो ये भी कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है प्लास्टिक के। यहाँ पे लिखा हुआ है वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस प्रेस्ड पाउडर कॉम्पैक्ट। का इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। मुझे इसका एक चीज़ अच्छा नहीं लगा कि इसके साथ कोई एप्लीकेटर नहीं आया है। सो ये मुझे डिसअपॉइंट लगा। इस मेरा शेड है वम बेज। पिगमेंटेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो आप देख सकते हो। एक जो मैंने लास्ट प्रोडक्ट लिया है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो। मेरा जो आई शेडो का शेड है रोज़ इन द ईयर। इसका पैकेज वही प्लास्टिक के अंदर आया है और इसका बैक में कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये इसमें मुझे 10 shades मिल रहे हैं। सो इसका इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह के की है। आपको ब्राउन कलर के शेड मिल रहा है, आप आईब्रोज को या कंटूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। डार्क ब्राउन मिल रहा है। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप देखते हैं इसका जो पिगमेंटेशन कैसा है। सो आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन भी है। सो मुझे इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा लगा। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये हॉल पसंद आया होगा। अगर आपको ये हॉल पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना रेड कलर के बटन को प्रेस करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज कीप सपोर्टिंग। बाय, स्टे हैप्पी। अल्लाह।